हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज इस वीडियो से पहले मैंने जो जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपके सारे अल्फाबेट्स कंप्लीट कर दिए हैं, स्मॉल ए टू जेड। आप उसकी सबकी प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं लेटर्स से जो एक सेंटेंस बनेगा, उस जो मैं सेंटेंस आज आपको लिखवाने वाली हूँ उसमें ए टू जेड जेड सारे ही लेटर्स आएंगे। तो उनकी आप कम से कम उस सेंटेंस की आप 10 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हर लेटर बहुत प्रॉपर वे में बनाना आ जाएगा। हमारी कॉपी सिंगल लाइन कॉपी, इसमें हम लाइनों का मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हमारे सारे ही लेटर बिल्कुल परफेक्ट में लिखे जाएं। देखिए, हमारी एक लाइन ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर जो टू लाइंस में जैसे हमने जो लेटर्स लिखे थे, जैसे हमने लिखा था ए सी ई या जो भी ऐसे लेटर थे आई एन एम ओ, वो हमारे इस लाइन के हाफ तक आएंगे। और इस लाइन का हाफ क्या है, ये यहाँ तक। अब जो लेटर हमारे थ्री लाइंस में आए थे जैसे कि डी एल या टी, वो लेटर जो हमारे ऊपर की थ्री लाइंस में आए थे वो हमारे इसी लाइन में यहाँ तक आएंगे, यानी कि ये लाइन को टच नहीं होंगे वो लेटर्स। उन्हें हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। जैसे हमें लिखना है सी, देखिए सी सिर्फ हमारा इस लाइन के हाफ तक आएगा। ए भी हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। अब हमें L लिखना है तो वो हमारा यहाँ तक आएगा। देखिए, हम लाइन को टच नहीं करेंगे, उससे पहले ही नीचे मुड़ जाएंगे। I G G हमारा यहाँ तक आएगा और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ तक आएगा बस। देखिए, जो हम L के ऊपर जो जगह छोड़ रहे हैं ये हम उन्हीं लेटर्स के लिए छोड़ रहे हैं जो हमारे नीचे की थ्री लाइन्स में आते हैं, तो ये यहीं से मुड़ जाएगा। अब लिखेंगे हम R, R के इक्वली हमारा जो हमारा नेक्स्ट लेटर है A आएगा। अब हमें P लिखना है तो वो हमारे जहाँ तक हमारा L आया है वहीं तक जाएगा, और P हमारा फोर लाइन्स में बनता है तो जहाँ तक हमारा G आया है वो वहाँ तक आएगा। तो ये हो गया हमारा P H। अब हमें Y लिखना है तो जैसे हमारा G लिखा है वैसे ही हमारा Y लिखा जाएगा। ये हो गया कैलीग्राफी इज, देखिए लाइन के हाफ तक लिखेंगे क्योंकि ये लेटर हमारे थर्ड से सेकंड नंबर की लाइन तक आते थे, इसीलिए हमारा इसका जो मेजरमेंट है वो यहीं तक होगा। अब हमें लिखना है डी, तो टी हमारा लाइन को टच नहीं होगा, यहीं से हम वापस आ जाएंगे। एच सेम, ई लाइन के हाफ तक, ये हो गया डी। आर्ट लाइन के हाफ तक, आर बी, और जो टी होगा वो लाइन को टच नहीं होगा, यहीं से वापस आ जाएगा। ओ यहाँ तक आएगा, और F लाइन को टच नहीं होगा, यहीं से नीचे आ जाएगा और लाइन के नीचे तक आएगा क्योंकि ये फोर लाइंस में बनता है। जब आप स्टार्टिंग में राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा धीरे करिएगा, अभी आपको स्पीड में नहीं करनी है क्योंकि आपको लेटर्स को प्रॉपर बनाना है और उसे कैसे लिखते हैं लाइंस में, कैसे उसको एकदम से फिट लिखेंगे ये चीज़ आपको देखनी है। बाद में आप कैसे इसकी स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो फोर लाइन के जो नीचे की थ्री लाइंस में आते हैं वो यहाँ तक आएंगे और जो ऊपर की थ्री लाइंस में आते हैं वो यहाँ तक आएंगे।
स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। लेटर्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना है, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज़ हार मत मानिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक इम्प्रूव नहीं हो जाती। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।